दोस्तों, भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। इंडियन बजट जो है वो तकरीबन 575 बिलियन डॉलर का है। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया। ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई, तो वो उसने चाइना को देके बढ़ाया, हमें देके नहीं बढ़ाया। बीते साल की तुलना में यह बजट मात्र 4.72% बढ़ाया गया है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर, इंडियन 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं। वित्त मंत्री ने इस रक्षा बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए का ऐलान सिर्फ इसलिए किया ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कंपनियों से रक्षा की खरीद फरोख्त हो पाए, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। अगर पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से पांचवा हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर पांच गुना था, क्योंकि इस हकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही। मईशत इकॉनमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल, अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट, आप कंपेयर कर लीजिए। भाई फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। भाई हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे तालुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। इंडियन बजट जो है वो तकरीबन 575 बिलियन डॉलर का है, ठीक है ना। 575 बिलियन डॉलर का जो है बजट पेश किया गया है भारत में। अब आप बताइए, अब ये जो पाकिस्तानी बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखिए जी भारत ने बजट पेश कर दिया, देखिए जी भारत के बजट में ये है, देखिए जी भारत के बजट में वो है, तो मुझे उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी ने कभी 575 बिलियन डॉलर्स देखे? मतलब इंटरनेट पे ही देख लीजिए, लेकिन इंटरनेट पे भी आपको नहीं होगा। इंटरनेट पे भी अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो गूगल ने भी जो है ना आगे से आपको ब्लॉक कर देना है, ओ निकलो इधर से, तुम लोग कहाँ आगे देखने। लेकिन बात सारी है, परेशान हम बहुत है, हम दे वीडियो पे वीडियो बनाई जा रहे हैं। लेकिन चले, मैंने सोचा मैं भी बना दूं और थोड़ा बहुत मैं भी अपना ज्ञान दे दूं, लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताती चलूं कि जी इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको मैंने अक्सर देखा है कि वो बस वगैरह में ट्रेवल कर रही होती हैं, और वीडियोज मौजूद हैं उस पर, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। तो इतना पैसा है मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर को एक गाड़ी ही दे दीजिए। अगर इनकी जगह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसके पास फाइनेंस है ही नहीं लेकिन वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास आपको इतनी गाड़ियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी कार शोरूम में आ गए हैं, कि इतनी गाड़ियां आगे पीछे इधर उधर उधर ऐसे चले जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं मुगल बादशाह होंगे और उनके घोड़े वोड़े जो आगे पीछे चला करते थे, उसी जमाने में रह रहे हैं। और हाल ये कि हमारा जो है वो बजट, तो क्या हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है? हमने फाइनेंस को देखने के लिए, यानी दूसरों की फाइनेंस को देखने के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी फाइनेंस को देखना हो, आपने दूसरे की फाइनेंस को भी देखना होता है, इस वजह से हम फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। और लोग हमें ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। और इसी तरीके से फिर वो कई बार ट्राई करने के बाद जो है एक आध कंट्री हमें कुछ दे भी देती है। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह से हम मुंह की खा के आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफर करती हैं, यूज करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट 576 बिलियन डॉलर्स का बजट पेश करने के लिए। 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क, और इस फर्क को समझना चाहिए। अगर वो इस वक्त आज इस जगह पर है, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं। आप देखिए उनके जो मिनिस्टर ने पेश किया, निर्मला के हाथ में कितने मिलियन डॉलर की घड़ी थी, उनके शूज की क्या प्राइस थी,
ज़रा आप चेक कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करती हैं। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हज़ारों करोड़ों तो उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में है, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट 83.6 बिलियन डॉलर इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियन जो डाटा देते हैं जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है दैट इज अबाउट 76 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट। अब देखें कि एक तो ये चीज़ है, जारी बात है पूरी खत्ते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफ़ा इंटायर बजट भी आपको याद होगा दिया था और ये फरवरी के अंदर, ठीक है जी। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज लाइक अ कंट्री विच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वी कैन गो फॉर अ वेसल टू वेसल कॉम्पिटिशन विद इंडियंस। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीदी, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है, ठीक है जी। अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं दुनिया में। पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मींस कि हमने कैसे करना है। लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं, भागम भाग नहीं जाना, ठीक है जी। हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और अपने खर्चा करना ही करना है, ठीक है। सो ये जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल्स। वेस्टर्न सर्कल्स में बहुत इसको कुर्बत से देखा जाता है, ध्यान से देखा जाता है, ठीक है जी। और अभी ये जो जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी है 7-8, 6-7% ग्रो भी कर रहे हैं। और लेकिन ये जो जिसे वो कहते हैं ना डिफेंस पे जो पैसा लगना है ये इंडिया के लिए मजबूरी बन चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पे इंडिया चाइना मिलिट्री पे पैसा लगा रहा है, जिस पैमाने के ऊपर, ठीक है जी, खित्ते के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सो जो एलोकेशंस हैं इंडियन मिलिट्री को या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को वो करनी पड़ेंगे। चाइना ऐसे इतने फास्ट मूव कर रहा है कि जैसे लड़ाई लग चुकी हो चाइना उस स्पीड से काम कर रहा है। वी ऑल्सो नीड टू be faster than China, sir. Not just catch up with China, we need to be faster than China.